रंगदारी में चाय नहीं देने पर केतली सहित गर्म चाय दुकानदार पर फेंकने का मामला सामने आया है। इसमें दुकानदार गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित जयप्रकाश नगर का है। दरअसल नाला पर किराए के मकान में रहने वाले कुंदन कुमार पर ई रिक्शा चालक ने चाय फेंक दी है। आरोपी प्रदीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कुंदन कुमार का दोनों पैर सहित जांघ भी जल गया है। पीड़ित कुंदन ने राजीव नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि सड़क पर घूम घूम कर वो चाय बेचने का काम करते हैं। ऑटो चालक प्रदीप कुमार रंगदारी में चाय पीकर पैसे नहीं देते थे। पैसे मांगने पर गाली गलौज करते थे। फिर से प्रदीप चाय मांग रहा था। इसका विरोध जब कुंदन ने किया तो केतली में रखे गर्म चाय को प्रदीप ने कुंदन के शरीर पर फेंक दिया। इससे दोनों जांघ और दोनों पैर उनका जल गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए राजीव नगर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहां जांच के दौरान ई रिक्शा चालक प्रदीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार किया है। पुलिस ने अब आरोपी प्रदीप कुमार को जेल भेज दिया है। फिलहाल पीड़ित कुंदन कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां स्थिति में सुधार बताई जा रही है। रंगदारी में चाय नहीं देने पर केतली सहित गर्म चाय दुकानदार पर फेंकने का मामला सामने आया है। इसमें दुकानदार गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित जयप्रकाश नगर का है। दरअसल नाला पर किराए के मकान में रहने वाले कुंदन कुमार पर ई रिक्शा चालक ने चाय फेंक दी है। आरोपी प्रदीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कुंदन कुमार का दोनों पैर सहित जांघ भी जल गया है। पीड़ित कुंदन ने राजीव नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि सड़क पर घूम घूम कर वो चाय बेचने का काम करते हैं। ऑटो चालक प्रदीप कुमार रंगदारी में चाय पीकर पैसे नहीं देते थे। पैसे मांगने पर गाली गलौज करते थे। फिर से प्रदीप चाय मांग रहा था। इसका विरोध जब कुंदन ने किया तो केतली में रखे गर्म चाय को प्रदीप ने कुंदन के शरीर पर फेंक दिया। इससे दोनों जांघ और दोनों पैर उनका जल गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए राजीव नगर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहां जांच के दौरान ई रिक्शा चालक प्रदीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार किया है। पुलिस ने अब आरोपी प्रदीप कुमार को जेल भेज दिया है। फिलहाल पीड़ित कुंदन कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां स्थिति में सुधार बताई जा रही है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर।